गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हमरम क्लासेस। आज चलिए प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2,250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? तो चीनी का मूल्य 10% कमी हो गया, 10% का मतलब हो गया, फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो 10/100 00 कैंसिल, अर्थात पहले चीनी का मूल्य था 10, अब क्या हो गया, एक कम हो गया, 10 में से एक घटाव कर दीजिए 9, उसकी मात्रा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अर्थात पहले 9 इकाई मिलता था, अब चीनी जो है 10 इकाई मिलता है, तो कितना इकाई ज़्यादा मिल रहा है, एक इकाई ज़्यादा मिल रहा है, 10 घटाओ 9, एक इकाई का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्नों में, कितना ज़्यादा मिल रहा, 25 किलो ज़्यादा मिल रहा, तो एक इकाई का वैल्यू हो गया 25 किलोग्राम। तो पहले का मूल्य निकालना है हम लोगों को, तो पहले का मात्रा निकालेंगे हम, पहले कितना मात्रा मिल रहा था, 9 इकाई मिल रहा था, तो 9 इकाई का वैल्यू हो जाएगा 9 × 25। अब प्रति किलोग्राम मूल्य इतना केजी चीनी जो है 2,250 में मिल रहा था, तो 2,250 को इससे भाग दिया जाए, 9 × 8 = 9, 5 = 45, 25 × 25 = 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलो 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? तो चावल का मूल्य में 20% कमी हो जाता है, 20% का मतलब हो गया 20/100 00 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, अर्थात पहले चावल का मूल्य था 5, अब एक कम हो गया उसमें, तो 5 में से एक कम कीजिए, 5 में से एक घटाव कीजिए 4, पहले उसका मूल्य था 5, अब इसका मूल्य हो गया 4, तो मात्रा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5, अर्थात पहले 4 इकाई मिल रहा था, अब मिल रहा है 5 इकाई उसी दाम में, तो कितना इकाई की वृद्धि हो गया, एक इकाई, पहले 4 इकाई मिल रहा था, अब 5 इकाई मिलने लगा है, अर्थात एक इकाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना केजी चावल ज़्यादा मिल रहा है, 3.5, चूँकि हम लोग पहले का मूल्य निकालना, प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा, इसलिए प्रारंभिक मात्रा को हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, प्रारंभिक मात्रा कितना मिल रहा था, 4 इकाई, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा तब 3.5 × 4, 1 का वैल्यू इतना है, तो 4 का गुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा कितना, 385, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा 385/3.5×4, ये पॉइंट हटा दीजिए ऊपर 10, 35 × 35 36 × 37 38, 35 × 35 कैंसिल कर दिए, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 11/55/2 कैंसिल कीजिए,
दो दुने चार, दो सत्ते चौदह पॉइंट, दो सत्ते चौदह पॉइंट पाँच जीरो, अर्थात चावल का जो मूल्य हो गया प्रति किलोग्राम 27 रुपये 50 पैसे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेब का मूल्य जो है 25% कमी हो जाता है। 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो हो जाएगा 25/400, 1/4। अतः तो पहले सेब का मूल्य कितना था, 4 रुपये। तो अब क्या हो गया, एक कम हो गया, तो 4 में से 1 कम कर दिए 3। तो पहले उसका मूल्य था 4 रुपये, अब है उसका मूल्य 3 रुपये। तब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:4। तो कितना इकाई ज्यादा मिल रहा है, 3 पहले 3 इकाई मिल रहा था, अब 4 इकाई, अर्थात 1 इकाई ज्यादा मिल रहा है। 4 घटाओ 3 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 2 किलोग्राम। अब हमको निकालना क्या है, सेबों का घटा हुआ मूल्य। अब कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा सेब, 4 इकाई मिल रहा, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य ये वाला है। तो अब कितना मिल रहा उसको निकालेंगे हम लोग, 3 का वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग, 4 का वैल्यू निकालेंगे घटा हुआ मूल्य का। अब 4 इकाई मिल रहा है, तो 1 इकाई का मतलब हो गया 2 kg, तो 4 इकाई का कितना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 2 अर्थात 8 kg। अब जो है 8 kg से मिलता है, कितना रुपया मिलता है 8 kg, 240 रुपये में। तो पर केजी क्या हो जाएगा, 240/8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 अर्थात 30 रुपये। ये हो गया आंसर, एक घटा हुआ मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी वस्तु एक्स के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु एक्स की, एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो एक्स वस्तु का मूल्य में कितना कमी हो गया, 30%। 30% कमी का मतलब हो गया, 30% मतलब हो गया 3/10। अर्थात पहले उसका मूल्य था 10, अब उसका मूल्य 3 कम हो गया, 3 घट गया, तो 10 में से 3 घटाव कर दिए 7। पहले उसको 7 इकाई मिल रहा था, अब उसको 10 इकाई मिल रहा है, तो कितना की वृद्धि हो गया, 7 से 10 अर्थात 3 इकाई ज्यादा मिल रहा है। 3 इकाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 किलोग्राम। इसको कैंसिल कीजिए, 3 कम 3, 3 × 6, 1 इकाई का वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 7 इकाई। पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, पहले का निकालना होगा, तो पहले का इकाई निकालिए, तो 7 इकाई बराबर हो जाएगा 7 × 2 अर्थात 14 किलोग्राम। पहले 14 किलोग्राम मिल रहा था, कितना रुपये में मिल रहा था, 20 रुपये में, तो 20/14 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 10 = 7, 7 × 7 = 8, 9 = 10। तो पहले एक्स वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मूल्य क्या था, 1.37 रुपये। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ए और बी, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, बी की ऊंचाई से, तो बी का ऊंचाई मानना होगा,
तो कितना परसेंट है? 10% क्या है? 10% अधिक है। तो 10% का मतलब 1/10। अब अगर बी का अगर 10 है तो ए का क्या है? 1 ज्यादा है। तो 10+1 अर्थात 11। तो निकालना है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है? कम है। कितना परसेंट कम? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है? तो बी की ऊंचाई 10 है, ए की ऊंचाई 11 है। तो कितना कम है? एक कम है। 11 - 10 = 1 कम है। किससे? ए की ऊंचाई से। ए की ऊंचाई को नीचे लिखना होगा, गुना 100%। 100/11 मतलब 11 × 99 9 पूर्णांक 1/11%।